दोस्तों हारा हुआ मैच कैसे अपने नाम करना है वो सीखना चाहिए पंजाब किंग्स से। जी हाँ दोस्तों, आज पंजाब किंग्स वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद का मैच था, वहां पर हैदराबाद को ये मैच जीतना बहुत ही जरूरी था। लेकिन दोस्तों हैदराबाद आखिर तक लग रहा था कि जीत जाएगा, लेकिन पंजाब किंग्स ने बाजी मार ली और मैच अपने नाम कर लिया। दोस्तों मैं आपको इस मैच का हाईलाइट यानी पंजाब किंग्स वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद के हाइलाइट डिटेल में आपको दूंगा, तो इसके लिए जुड़े रहिए मेरे साथ स्पोर्ट्स टाइम हिंदी में। दोस्तों सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस पंजाब किंग्स का ये मैच का जब टॉस हुआ, सनराइजर्स हैदराबाद ने ये मैच का टॉस जीता और टॉस जीतकर पंजाब किंग्स को भेजा बल्लेबाजी करने के लिए। और पंजाब किंग्स की ओर से केएल राहुल और मयंक अग्रवाल उतरे बैटिंग करने के लिए। दोस्तों केएल राहुल अच्छा खेलना शुरू कर देते, पहले ओवर पर कोई चौका नहीं था, लेकिन दूसरे ओवर पर केएल राहुल ने भुवनेश्वर कुमार की बॉल पे चौका मारा। उसके बाद संदीप शर्मा को अगले ओवर पे चौका और भुवनेश्वर कुमार की अगली ओवर यानी चौथे ओवर पे फिर चौका। दोस्तों ये था बॉलिंग पिच, तो रन बहुत धीरे धीरे आ रहा था। तब बॉलिंग में आए जेसन होल्डर, तब पंजाब किंग्स के स्कोर बोर्ड में 26-0 रन था और जेसन होल्डर आते ही पहले बॉल पे केएल राहुल को आउट कर दिया 21 रन पे। केएल राहुल 21 बॉल पे 21 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। और दूसरी सफलता उसी ओवर की पांचवें बॉल पर लगा, जहां पर मयंक अग्रवाल को जेसन होल्डर ने बोल्ड आउट कर दिया और मयंक अग्रवाल सिर्फ रन बना पाए थे 5। इसके बाद दो खिलाड़ी क्रिस गेल और एडन मार्करम खेल रहे थे। बहुत धीमी शुरुआत थी चौथे ओवर पे, जहां पर 26-0 था, तब छठे ओवर के बाद पंजाब किंग्स का रन हुआ 29-2 और पावर प्ले हो गया खत्म। तो उसके बाद अटैक में लाया गया खलील अहमद को। सातवां ओवर पे सिर्फ 3 रन बना और आठवां ओवर पे सिंगल्स और डबल्स करके सिर्फ 7 रन ही बना पाए, लेकिन तब तक बाउंड्री एक भी नहीं आया था। लेकिन अगले ओवर यानी 9वें ओवर पर रशीद खान को चौका मारा मार्करम ने। फिर से अगले ओवर पे खलील अहमद को क्रिस गेल का और एक चौका। 10 ओवर के बाद पंजाब किंग्स का स्कोर हुआ 55-2। दोस्तों इसके बाद 11वें ओवर पे क्रिस गेल हुए आउट रशीद खान के बॉल पे LBW और क्रिस गेल बना पाए सिर्फ 14 रन। दोस्तों इसके बाद 11वें ओवर खत्म हुआ 58-3। 12वें ओवर पे तीसरे बॉल संदीप शर्मा को निकोलस पुरन ने मारा छक्का और अगली बॉल पे निकोलस पुरन हुआ आउट, संदीप शर्मा ने कॉट एंड बोल किया। और 12वें ओवर के बाद 68-4 विकेट हुआ पंजाब किंग्स की। इसके बाद हुआ 13वें ओवर, 13वें ओवर पे सिर्फ 6 रन बना पाए पंजाब, कोई विकेट का लॉस नहीं। 14वें ओवर पे 10 रन, लेकिन 15वें ओवर पे शमाद ने मार्करम को आउट किया जो कि कैच पकड़ा मनीष पांडे और उस ओवर एक चौका सिंगल्स और डबल्स के साथ टोटल रन हुआ 9 रन। 15 ओवर के बाद 93-5 विकेट गिर चुका था पंजाब किंग्स की। लेकिन अगले ओवर पे फिर से दीपक हुड्डा को आउट किया जेसन होल्डर ने और इस ओवर पे सिर्फ 4 रन बना पाए पंजाब किंग्स ने। 16वें ओवर पे 97-6। 17वें ओवर पे सिर्फ 3 रन बना पाए पंजाब किंग्स और तब सिर्फ 100 रन ही था स्कोर बोर्ड पे। 18वें ओवर पे सिर्फ 4 रन, सिंगल्स बस खत्म 104। और 19th ओवर पे सिर्फ 7 रन ही बना पाए 111-6। लेकिन जो 20वां ओवर हुआ वो हुआ था बहुत ही बढ़िया पंजाब किंग्स के लिए, जिसके बदौलत पंजाब किंग्स जीत गए थे ये मैच। भुवनेश्वर कुमार को छक्का मारा एलिस ने और उसके एक बॉल बाद ही एलिस को मनीष पांडे के हाथों कैच होकर आउट होना हुआ। भुवनेश्वर कुमार ने लिया विकेट और 5वें बॉल पे भुवनेश्वर कुमार को लेना हुआ एक चौका जो कि ब्रार ने मारा और 20वें ओवर के बाद पंजाब किंग्स के रन हुआ 125-7 और इस ओवर पे पंजाब बनाए 14 रन। हैदराबाद के सामने 126 रन के लक्ष्य था और हैदराबाद उतरा बैटिंग के लिए और शुरुआती ओवर में ही तीसरे बॉल पे मोहम्मद शमी ने लिया डेविड वार्नर की विकेट जो कि कॉट बिहाइंड हुआ है और पहले ओवर में सिर्फ 2 रन ही बना पाए सनराइजर्स हैदराबाद और 1 विकेट। लेकिन दूसरा ओवर अच्छा गया सनराइजर्स हैदराबाद के लिए, 8 रन बना क्योंकि रिद्धिमान शाह आ गए थे बैटिंग पे, उन्होंने मारा था 1-4 10 रन पे 1 विकेट। वहां पर वन डाउन पे केन विलियमसन आए थे जो कि दूसरे ओवर पे दूसरे बॉल मोहम्मद शमी ने उठा लिया केन विलियमसन को, बोल्ड आउट हुए केन विलियमसन और ये ओवर गया मेडेन, तीसरा ओवर मेडेन, तो 10 रन में बना 2 विकेट। चौथा ओवर खास नहीं गया सिर्फ 2 रन, 5वें ओवर पे सिर्फ 3 रन और छठे ओवर पे 5 रन बनाकर सनराइजर्स हैदराबाद के पावर प्ले हुआ खत्म 20 रन पे 2 विकेट।
पिच पे खेल रहे थे मनीष पांडे और रिद्धिमान सहा। सातवें ओवर पे सिंगल्स और डबल्स के बलबूते पे सिर्फ 5 रन ही बना पाए हैदराबाद, लेकिन आठवें ओवर पे रवि बिश्नोई को मारा एक 4 मनीष पांडे ने, लेकिन रवि बिश्नोई उस ओवर की आखिरी में मनीष पांडे को ले लिया विकेट, बोल्ड आउट हुआ मनीष पांडे और 8 ओवर में बना 7 रन। सनराइजर्स हैदराबाद के रन बना 32-3। दोस्तों नाइन्थ ओवर आ गया, सिंगल्स और डबल लेके सिर्फ 7 रन, पिच पे है रिद्धिमान साहा और केदार जाधव। केदार जाधव अच्छा फॉर्म में नहीं है, रिद्धिमान साहा अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन अकेले खेलने से क्या होगा। तो 10वें ओवर पे सिर्फ 4 रन ही आए और स्कोर में 43-3। 11वें ओवर यहाँ पर भी सिंगल्स करके सिर्फ 4 रन आए, 47-3 हुआ 11वें ओवर के बाद। 12वें ओवर पे सिंगल्स डबल्स और ट्रिपल लिया गया हर बॉल पे, तो 9 रन बना ब्रार के वो ओवर में और हैदराबाद के स्कोरबोर्ड में जुड़ा टोटल 56 रन। लेकिन दोस्तों 13वें ओवर पे दूसरी बॉल में लिया रवि बिश्नोई ने केदार जाधव का विकेट, हुआ था बोल्ड आउट और उसी ओवर पे आखिरी बॉल पे रवि बिश्नोई ने फिर से समाध का विकेट लिया जो कि कैच आउट करार दिया गया और इस ओवर पे मतलब 13वें ओवर पे 4 रन बनाकर 2 विकेट गवा बैठे हैदराबाद और हैदराबाद स्कोरबोर्ड पे 60-5। तो दोस्तों अभी खेल घूमना बाकी था क्योंकि अभी आ चुके थे जेसन होल्डर और साथ में खेल रहे थे रिद्धिमान साहा जो कि 14वें ओवर पे सिर्फ 4 रन नहीं जुड़ पाए और 15वें ओवर पे शुरू हुआ जेसन होल्डर का जलवा, रवि बिश्नोई को मारा छक्का और ये छक्के की बदौलत 15वें ओवर पे टोटल 11 रन जुड़ा हैदराबाद की स्कोरबोर्ड में 75-5 विकेट। और जो 16वां ओवर था ये तो बल्ले बल्ले था हैदराबाद के लिए, बैक टू बैक 2 बॉल में छक्का और इस ओवर में जेसन होल्डर के छक्के के बदौलत और रिद्धिमान साहा के सिंगल्स और डबल्स के बदौलत 16 रन जुड़ा स्कोरबोर्ड में, 91-5 हुआ, लेकिन अभी भी 35 रन लगता जीतने के लिए। और अगले ओवर पे मतलब 17वें ओवर पे आउट होना हुआ रिद्धिमान साहा को, अक्षदीप सिंह ने लिया रिद्धिमान साहा के विकेट और उस ओवर सिर्फ 5 रन ही बना पाए हैदराबाद। लेकिन अगले ओवर मोहम्मद शमी को मारा छक्का जेसन होल्डर ने और उस ओवर पे 9 रन जुड़ गया हैदराबाद की स्कोरबोर्ड पे 105-6। तो लास्ट 2 ओवर में हैदराबाद को चाहिए था 22 रन और 19वें ओवर के पहले बॉल पे ही अक्षदीप सिंह ने ले लिया रशीद खान के विकेट को और सिंगल्स और डबल्स लेते हुए सिर्फ 4 रन ही जोड़ पाए, तो 109-7 हो गया हैदराबाद की स्कोर। और 20वें ओवर में हैदराबाद को चाहिए था जीतने के लिए 17 रन, पहला बॉल हुआ 1 रन बाई, दूसरा बॉल में जेसन होल्डर ने मारा छक्का तो भी हैदराबाद लगभग जीतने के कगार पे था क्योंकि जेसन होल्डर स्ट्राइक पे और वहां पर पंजाब किंग्स हारने वाले थे। लेकिन अगला 2 बॉल हुआ डॉट बॉल और 5वां बॉल हुआ वाइड, तो 1 रन और एक्स्ट्रा बॉल मिला, लेकिन अगले बॉल में सिर्फ 2 रन ही बना पाए जेसन होल्डर। तो लास्ट बॉल पे चाहिए था 7 रन जीतने के लिए और 6 मारे तो एक होता सुपर ओवर, लेकिन सिर्फ 1 रन ही ले पाए और 120 रन पे ऑल आउट हो गया सनराइजर्स हैदराबाद। तो दोस्तों हैदराबाद ये मैच हार के लगभग टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। अगर टूर्नामेंट में लौटना है तो हर मैच जीतना होगा और उनका जो आसपास के टीमें सबको मैच हारना होगा तो ही जा सकते हैं प्लेऑफ्स में। तो दोस्तों आपको क्या लगता है इस बार सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स में कौन पहुंच सकता है प्लेऑफ्स में या फिर कोई भी पहुंचने का चांसेस नहीं है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। दोस्तों मुझे इंतजार रहेगा दोस्तों आपके मीठे मीठे कमेंट का।